Hello everyone, morning to all of you. You're all the experience as per the demand, because in the last video when I discussed the Premier League OBC bill, वो पिछले जो एपिसोड था उसमें हमने बात किया था OBC जो 127 जो amendment आया भारतीय संविधान के तहत, और उसमें क्रीमी लेयर के बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद कुछ लोगों का डिमांड था सर एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ऐसे जो वर्चुअल करेंसीज हैं ये सारे करेंसी पे एक आपको वीडियो बना देना चाहिए, और मैं उस दिन कमिटमेंट भी दिया था कि आपको ट्यूजडे तक मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज इसी एपिसोड को लेकर के हम क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल एक करेंसी पूरी दुनिया में अब तक सबसे चल रहा है, एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आया कैसे, इसका उत्थान कहाँ से हुआ, इसको लेकर के पूरे दुनिया में क्या क्या नियम एंड कानून बनाए, या किसी भी देश की जो मुद्रा होता है करेंसी होता है उसको लेकर के कितना फायदेमंद यानी लाभदायक हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये वर्चुअल करेंसी को लेकर के हमारे भारत यानी इंडिया में कोई नियम बने हैं या नहीं बने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई रूल्स है रेगुलेशन लाई है या नहीं लाई, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसको सबसे ज्यादा जो प्रचलन में लाया गया ये सबसे ज्यादा यदि मार्केट में हम कर सकते इसकी जो प्रोसेसिंग होती है तो रीजंस क्या है, ये सारी गतिविधि पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि बात करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तो आज ये बहुत बड़ा विषय आप कह सकते हैं चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, और आज मैं कोशिश यही करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी को ए से बी सी डी यानी एक्स वाई जेड जितनी भी प्रकार की चीजें हो सकती है ये सारे हम क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, चाहे इसकी बैकग्राउंड क्या रहा, वर्तमान में सिनेरियो क्या रहा, दुनिया में क्या सिनेरियो है, हमारे देश में इसको क्या सिनेरियो है, ये सारे गतिविधि का आज हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, व्हाट डू मीन बाई क्रिप्टो करेंसी। My dear, all the aspirants for civil service examination, just you have to know that cryptocurrency. Cryptocurrency has been composed on two languages, yeah, two words you can say. यानी cryptocurrency का जो निर्माण हुआ है वो मूल रूप से दो शब्दों के संमिश्रण से हुआ है। एक crypto है जो एक Latin भाषा का शब्द है, तो crypto जो आया है वो cryptography से आया है। Cryptography का मतलब होता है hidden something, यानी छुपा हुआ या छुपी हुई something. यानी किसी भी चीजों को यदि आप हिडन करके रखते हैं कॉन्सील करके रखते हैं तो वह हमारा क्रिप्टोग्राफी का पार्ट होता है। तो ये हमारा लैटिन भाषा से क्रिप्टो आया जो क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। करेंसी भी एक लैटिन शब्द है करेंसिया से बना, करेंसी भी लैटिन वर्ड है करेंसिया से बना, और करेंसिया का मतलब होता है रुपया पैसा इत्यादि जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट यदि हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो होता है वो होता है छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया, जो आज के डेट में जो वर्चुअल यूज हो रहे हैं इसको हम डिजिटल रुपया बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको छुपा हुआ पैसा भी बोल सकते हैं या गुप्त पैसा बोल सकते हैं, और अभी वर्तमान के जो परिदृश्य इस आधार पर इसको आप कर सकते हैं क्या एक डिजिटल रुपया है। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का एक डिजिटल ही मनी है या डिजिटल ही करेंसी है जिसे आप छू तो नहीं सकते या ये नोट की तरह भी नहीं होता है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन इसको रख सकते हैं, यानी यह मुद्रा का एक डिजिटल फॉर्म है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह सॉलिड रूप में तो आपकी जेब में नहीं होता, यह पूरी तरह से कह सकते हैं ये वर्चुअल होता है, ये ऑनलाइन होता है। इसे आसान भाषा में हम आपको समझाने की इस तरह से कोशिश कर सकते हैं कि हर देश की जो अपनी करेंसी होता है अपने जो मुद्रा होती है, जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरबिया के पास रियाद है, इंग्लैंड के पास यूरो है, हर देश को अपनी अपनी करेंसी है। तो अब हमने यूरो जो है यूरोपियन कंट्री सॉरी इंग्लैंड का जो है वो पौंड है। ठीक है, तो इस तरह से हर देशों का अपना एक स्वतंत्र आप कह सकते हैं मुद्रा होता है, यानी एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश के द्वारा मान्य तो हो और वहां के लोग इसके इस्तेमाल के जरूरी चीजों खरीद सकने में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसका कोई वैल्यू होता है वह करेंसी कहलाता है, और यही पार्ट हमारा क्रिप्टो करेंसी में भी होता है, लेकिन यह हार्ड करेंसी के रूप में हमारे पैकेट में नहीं होता बल्कि आप कह सकते हैं कि यह एक वर्चुअल होता है, एक ऑनलाइन होता है, एक डिजिटल होता है जिसका प्रयोग हम किसी भी वस्तुओं को खरीदने में
आय व्यय करने में हम इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो यह हमारा हुआ करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कब हुई थी क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। तो डियर ऑल, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत अमेरिका के एक नागरिक ने साल 1993 में, सॉरी 1983 में, यानी 1983 में किया था। इसकी शुरुआत जो होती है अमेरिका से होता है, अमेरिका के ही एक नागरिक 1983 में इसका इस्तेमाल किया था। और इसे हम कह सकते हैं 2009 में बिटकॉइन जब कह सकते हैं यूज में आता है, प्रयोग में आता है, तो बिटकॉइन के 2009 में प्रयोग में आने के बाद यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो जाती है और उस समय हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, यानी लोकप्रिय बन जाता है। एक्चुअली जापान के इंजीनियर सतोशी नाकमोटो, याद नाम रखिएगा, बाय द वे आपसे पूछा जा सकता है, तो जापान के एक इंजीनियर था जिसका नाम था सतोशी नाकमोटो, उन्होंने क्या किया कि बिटकॉइन को इजाद किया, यानी बिटकॉइन को हम कह सकते हैं कि मार्केट में लाने का सबसे बड़ा यदि किसी का प्रयत्न रहा यानी प्रयास रहा तो वह जापानी इंजीनियर का रहा जिसका नाम था सतोशी नाकमोटो। ठीक है, तो इन्होंने पूरे दुनिया में इस चीजों को लाया। अब बात होती है कि किसने बनाई और क्यों बनाई, क्रिप्टो करेंसी का बनने के पीछे रीजन क्या था, मन मोटो क्या था और क्यों बनाया, ये सारी चीजों पर बात करें। आप लोग थोड़ा याद रखें, आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार रहें क्योंकि वीडियो आपकी लंबी जाएगी, बहुत लंबा। मैं ए टू जेड तक आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी आया कैसे, क्या है, इसके पूर्व में बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिसमें आपकी समय लग सकता है, इसलिए आप लोग धैर्य यानी पेशेंस के साथ ये पूरे लेक्चर को सुनेंगे, कॉपी कलम के साथ सुनेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुआ, क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था, ये सारे चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो थी 2009 में सतोशी नाकामोटो ने ही शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2009 में सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो तो 2009 में जो लाया वो बिटकॉइन का उत्थान किया, लेकिन उससे पहले की भी हमने बात किया, 1983 की हमने बात किया, इससे पहले भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स हुए या बहुत सारे ऐसे देश हुए जिन्होंने डिजिटल मुद्रा को पर काम करना शुरू कर दिया था। जैसे यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 1996 में उन्होंने मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। 1996 में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाने वाला पूरे विश्व स्तर पर यदि कोई देश था तो उसका नाम अमेरिका था। ऐसा गोल्ड जिसे रखा तो नहीं जा सकता था, लेकिन इससे दूसरी चीजों को खरीदा जा सकता था, या 1996 में अमेरिका ने किया था। क्योंकि 2008 की यदि आप बात करते हैं तो 2008 में इसको बैन कर दिया था, कंप्लीटली इस पर रोक लगा दी गई थी। वैसा आप देख सकते 2000 साल की ईस्वी, तो 2000 की साल में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ दिया था, कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ दिया था। यदि आप किसी भी प्रकार के ईंधन लेना चाहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ लेना चाहते हैं पेट्रोल पंप पे, तो आपको उसके लिए आप स्मार्ट कार्ड से भी काम कर सकते थे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि इसकी इतिहास जो है कोई नया नहीं, बहुत पुरानी सी इतिहास रही। अब प्रश्न बनता है अपने आप में कि बिटकॉइन सबसे महंगी यानी वर्चुअल करेंसी कैसे बनी, बिटकॉइन सबसे महंगी या वर्चुअल करेंसी कैसे बने, इसकी हम बात करें। तो आसान भाषा में यदि हम आपको बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम होता है, कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर इसको बनाया गया है, या इसको जेनरेट किया गया, इसको डेवलप किया गया। यह सिर्फ डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है, इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बिना नियंत्रण के इस पर काम होती है। शुरुआत में से इलीगल माना गया था, करार दिया गया था कि यह अवैध चीज है, लेकिन बाद में जब बिटकॉइन की बढ़ती कह सकते जो लोकप्रियता हुई, उसका जब पॉपुलैरिटी जब उसको बढ़ना शुरू हुआ, उसके चलते कई देशों ने इसको लीगल रूप दे दिया यानी वैध मान लिया। ठीक है, और कुछ देशों को तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी उन्होंने लाने की कोशिश कर दिया और ला भी दिया। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी अभी के वर्तमान की परिस्थिति में है। तो ये सारे वर्चुअल करेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है या एक वर्चुअल जो करेंसी है या डिजिटल जो करेंसी है, ये आखिर काम कैसे करता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। ये काम कैसे करता है, इसका कार्य प्रणाली क्या होता है, ये चीजों को हम देखेंगे। तो पिछले कुछ सालों से यदि हम लास्ट कुछ गत वर्षों में देखें तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो एक करेंसी है इसकी जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ती है, इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस समय से जो इसकी जो पॉपुलरिटी बढ़ी है, पॉपुलरिटी बढ़ने के पीछे एक रीजन है कि इसने एक चेन लगाया जिसका ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर करते हैं। तो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर का इसमें इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके भी हम कह सकते हैं इसको और लोकप्रियता या इस्तेमाल करने में इसको और ज्यादा इज या कह सकते आसान आसानी से इसको उपलब्ध कराने में इसमें इसकी कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है।
एक्चुअली यह डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो है एक डिजिटल मुद्रा है जो इनक्रिप्टेड है, यानी हम कह सकते हैं कोडेड में होता है, कोड के इसके लिए डेवलप किया जा चुका है, इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज भी किया जाता है, इसमें प्रत्येक लेन देन जो होता है, कह सकते हैं आय व्यय होता है ना, परचेज और सेल जो होता है, ये सारे डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वेरिफिकेशन होता है, और अंततः हम कह सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है। इसके जरिए खरीदों को आप किसी भी चीजों को खरीद सकते हैं। क्रिप्टो माइनिंग जो होता है तो खरीदने की जो प्रणाली होती है, इसके जरिए जो कोई चीज को खरीदते हैं तो उसको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग नाम दिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द मेथड, दिस इज द वे बाय विच वी कैन परचेज बाय क्रिप्टो करेंसी समथिंग इन द मार्केट, जो कि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना होता है, जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि माइनिंग की जाती है, उन्हें कह सकते हैं माइनर्स भी कहा जाता है। तो आसान भाषा में यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी जो होता है या क्रिप्टोकरेंसी जो होती है वो ब्लॉकचेन के जो टेक्निक होता है, यानी टेक्निक होता है उसके आधारित होता है, जिससे कि एक वर्चुअल करेंसी का एक रूप देता है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड होता है, पूर्ण रूप से सिक्योर्ड होता है। यह सारा काम एक पावरफुल कंप्यूटर के जरिए होता है और इस आधार पर हम कहते हैं कि इसे कोड कॉपी करना बहुत नामुमकिन होता है। जो एक इंक्रिप्टेड इसका जो कोड होता है, कोडिंग या इनकोडिंग तैयार करता है, उसे आप चाहें कि हम आसानी से इसको रीड कर लें या किसी भी प्रकार की कॉपी कर लें तो यह इतना पॉसिबल नहीं है। अब प्रश्न होता है कैसे होता है लेन देन, ये जो हम क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल जो हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है। तो क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसकी जानकारी पूर्ण रूप से ब्लॉकचेन में जाकर के रजिस्टर्ड हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है, उस पूरे चीजों को एक ब्लॉक में रखा जाता है, और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन को काम जो होता है वो माइनर्स के द्वारा होता है, माइनर्स करता है, जिसके लिए वह एक क्रिप्टोग्राफी पहेली यानी कह सकते हैं पजल कह सकते हैं को हल कर ब्लॉक के लिए एक उचित उन्होंने हाश का निर्माण कर रखा है और उसके द्वारा ये इस चीजों को कंट्रोल करता है। अब आपके पास एक प्रश्न हो सकता है कि सर हैश खोजने के बाद क्या होता है, तो डियर ऑल, जब कोई माइनर पुख्ता हैश को खोलकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरा जो नोड होता है यानी जिसको आप कंप्यूटर्स कहते हैं उसके जरिए उसे वेरीफाई कर दिया जाता है, और वेरीफाई करने के बाद इस प्रक्रिया को हम आम सहमति कहते हैं या कॉन्सेंसस कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि आम सहमति मिलने के बाद क्या होगा, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, यह अपने आप में प्रश्न बनता है। तो आपको मैं दूसरी भाषा में समझा दूं या अपने एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो होता है कि यदि आपको आम सहमति मिल जाती है यानी अगर आप कॉन्सेंसस हो गए हैं तो समझिए कि ब्लॉक को सिक्योर होने की पुष्टि आपको अप्रूवल जो है आपको मिल चुका है और वह सही पाया जाता है तो सिक्योर करने वाले जो माइनर होते हैं उसको हम क्रिप्टो क्वाइन दे दिए जाते हैं या उस क्रिप्टो क्वाइन हम दे सकते हैं। यह एक रिकॉर्ड है जिसे कि काम करना एक सबूत के तौर पर माना जाता है और उसी तरह एक सबूत के आधार पर यह काम करता है। अब क्वेश्चन बनता है कि कितने तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है, ये आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए, सारे के लिए क्वेश्चन बनता है कि कितने तरह की क्रिप्टो करेंसी होता है। तो जो मेरे पास कुछ डेटा है और जो मैंने डेटा को स्टडी किया है उस डेटा के एनालिसिस के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि अब दिमाग में एक सवाल आपके भी हो सकता है, ये सवाल मेरे भी ऊपर हो रहा था और जब मैंने इसको पूरी गहन अध्ययन किया तो गहन अध्ययन करने से यह प्रूफ होता है कि यह डिजिटल फॉर्म है और डिजिटल फॉर्म में कितना तरह का क्रिप्टो करेंसी हो सकता है या नामुमकिन है किसी भी चीज़ों को प्राप्त करना, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी डेवलप कंट्री हैं जिस तरह से नए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज की हम यदि बात करें, जो हमने डेटा इकट्ठा किया, जो स्टडी किया, उस स्टडी से यह स्पष्ट हो गया है कि लगभग 1800 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध है। 1800 यानी 1800 की मैं बात करूँ, मोर देन 1800 क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल इन द मार्केट इन द वर्ल्ड, अब दुनिया में भी कैसे, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा अनेकों अनेक प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं, अनेकों अनेक प्रकार के इसका नाम भी देते हैं, जैसे एथेरियम, ETH के नाम आपने सुना होगा, तो एथेरियम भी हमारा एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में यूज होता है, बिटकॉइन LTC इसको हम बोलते हैं, डॉग क्वाइन यानी डॉग क्वाइन DOGECOIN, एक होता है फेयर क्वाइन FAIR, फिर होता है डैश DASH,
पीर क्वाइन यानी पीपीसी या एक रिपल होता है एसआरपी, तो इस तरह के सारे जो है सारे क्रिप्टो करेंसी के नाम है, सारे कह सकते हैं वर्चुअल करेंसी के नाम है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया, अध्ययन से प्राप्त हुआ कि लगभग पूरे दुनिया में 1800 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी या कह सकते हैं वर्चुअल करेंसी यूज में अभी चल रहा है। अब प्रश्न होता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा किया जा सकता है, और क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा करें तो कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब हमें प्रश्न होगा, यदि हम ट्रस्ट की बात करें, भरोसेमंद की बात करें, तो अपने आप में प्रश्न है, और खुद को एक कह सकते हैं सजग नागरिक होने के नाते हमें अपने आप को, अब जब आप निवेश करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि भरोसे के लायक है या नहीं है, इस पर हम काम करें या नहीं करें, इस पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है, इसके जवाब में देने की कोशिश करूंगा। तो चूंकि लोगों के भविष्य का सवाल होता है, क्योंकि जब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप कहीं ना कहीं उसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, और यदि आप गलत जगह पे भविष्य देख रहे हैं या गलत जगह पे आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें आपको बता देता हूँ। एक्चुअली बिटकॉइन लगभग आप कह सकते हैं $180 से $200 के आस पास आकर खत्म हो जाता है, हमेशा ये देखने को मिलता है, चूंकि जनता द्वारा हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पर वो अपनाते हैं, वो अपनाने के साथ और अधिक विश्वास भी प्राप्त कर लेते हैं। तो पिछले जो तिमाही का जो रिकॉर्ड हमने देखा वर्ल्ड के बिटकॉइन का, तो उस रिकॉर्ड में हमने देखा कि बिटकॉइन के मार्केट जो कैप है में लगभग 700 मिलियन डॉलर उसमें जोड़े गए थे। चूंकि सितंबर 2020 के बाद से हम कह सकते हैं इसकी कीमत जो है लगभग 2 गुना से अधिक हो चुकी है, इसकी हम बात करें बिटकॉइन का। ठीक है, तो ये अभी देखने को मिला। अब प्रश्न होता है कि कई देश लाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे देश इस पर काम करें कि हम क्रिप्टो करेंसी लाएंगे, तो क्या यह सच है या गलत है, या यदि वो लाना चाहते हैं तो कारण क्या है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस पर बात चल रही है, डिबेट चल रही है, बहस हो रही है, और हम कह सकते हैं यह बबल स्पेस भी है एक मैटर का, और किसी भी समय यह फट भी सकता है, क्योंकि हर राष्ट्र समझता है कि हम कहीं ना कहीं डॉलर को पीछे करें। इससे क्या होगा कि हम यदि क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि 2 गुना से भी अधिक हमें कर सकते हैं उसका वैल्यू प्रोवाइड करना है, इसको लेकर के हम कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, वह इसको या तो एक्सेप्ट कर लिए या अप्रूवल देने में आगे बढ़ रहे हैं, या अपने आप को उसमें एंट्री ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई देश अब अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार भी कर रहे हैं। तो पहले सरकार ने इस पर बैन किया, और बैन करने के बाद गवर्नमेंट ने इस पर विचार करना शुरू किया, और अब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि विश्व के जो गवर्नमेंट है यह इस पर अपना वो नरमी यानी लिबरलिटी जो होता है वह लिबरल होने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करेंगे हम अपने इंडिया का, कि भारतीय मार्केट में यदि देखा जाए तो भारतीय मार्केट के जो प्लेयर हैं वो कौन कौन है, और क्रिप्टो करेंसी को कैसे लाया जा सकता है। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक वैलेट जो हमारे मोबाइल वैलेट से काफी मिलता जुलता है, जहां आप अपना पैसा स्टोर करते हैं, कह सकते हैं गेदर करते हैं, और उसी से ट्रांजैक्शन भी हम करते हैं, जैसे वाइजर एक्स का नाम आपने सुना होगा, यूनो क्वाइन, जेब पे, ये सारे जो है भारतीय कंपनियां हैं जो बिटकॉइन के कारोबार में संलिप्त है या कह सकते हैं इन्वॉल्व है। तो मुख्य रूप से इंडिया के यदि हम बात करें तो इंडिया के 3-4 ऐसे कंपनी है, वाजिर एक्स है, यूनिकॉइन है, और जेब पे है, ये इंडियन कंपनी है जो खासकर बिटकॉइन के जो ट्रेड एंड बिजनेस जो होता है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन अपने आप में एक होता है, खासकर हम इंडियन यदि इन्वेस्टर्स की बात करें तो क्या कहते हैं वाजिर एक्स का फाउंडर, जो भी वाजिर एक्स में फाउंडर हैं और वो क्रिप्टो करेंसी की बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनका भी तो कुछ अपना विचार होगा, कुछ उनका भी एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। तो उनकी यदि हम अनुभव की बात करें, जो मैंने स्टडी किया और जो मैंने एक रिपोर्ट देखा, उस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता सकता हूँ कि जो वाइजर एस के फाउंडर और सीईओ निश्चल सेट्टी, नाम याद रखिएगा, निश्चल सेट्टी से जब मैंने बात की और उनकी इंटरव्यू जब मैंने देखने की कोशिश किया, ठीक है, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट कॉल करके बात किया पूछा, तो उन्होंने कहा कि भारत में भी इसे लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, उसके पीछे रीजंस है। रीजंस क्या है भैया, क्योंकि देश में इसके लिए कोई रेगुलेशन भारत में नहीं बने हैं,
लोग इसके बारे में सुनते तो हैं लेकिन डर भी जाते हैं, खासतौर पर यदि मेरे को कहा जाए कोई इन्वेस्टमेंट करने का, तो हमें भी डर लगता है, क्योंकि अभी तक ये जो वर्चुअल करेंसी आई है इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट जो होता है, सच्चाई जो होता है, लोग इसे जागरूक नहीं है, लोग इसे अवेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को लगता है कि हम इसमें फूल बनेंगे, या आप कह सकते हैं कि अपने आप को चिट होने का एक महसूस हो जाता है। तो वास्तव में इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारी चीजें ऐसे चल रहे हैं जो अनरेगुलेटेड है, जैसे ओला, उबर, ये सारे जो है ई कॉमर्स भी हैं और अनरेगुलेटेड। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी बात ये हो जाता है कि रेगुलेटेड नहीं होने से फ्रॉड और स्कैम होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो यदि रेगुलेटर नहीं है तो मायने सी बात है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, यदि आप उसे बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप ठगी का शिकार होना आपके लिए कालापन है। तो अब हम बात करें क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है। यदि बाय द वे आप मार्केट करते हो और क्रिप्टो करेंसी के एक आप इन्वेस्टर के रूप में आप अपने आप को इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आपके पास एक प्रश्न बनेगा कि हम क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीद लें, कैसे बेचें, कौन से हमें मार्केट मिलेगा जहां पर हम इसको सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी बहुत आसान वे में जो हमने प्राप्त किया उस चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, इस लोकप्रियता को बढ़ते हुए बाजार में बहुत सारे ढेरों सारे आप कह सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बनकर तैयार हो चुके हैं, स्टेब्लिश कर दिया जा चुका है। ऐसे में देश में बिटकॉइन या डोगकॉइन जैसे जो क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचने की बात करें तो अभी के डेट में बहुत आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि यह एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो चुका है जहां पर वाजी एक्स, जेब पे, क्वाइंस पे, कुबे और क्वाइन डीसीएस गो के नाम से भी ये बाजार में शामिल है, बाजार में आपको ये चीज मिल सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह क्वाइन बेस और बाइनेंस जैसे जो इंटरनेशनल आप कह सकते जो प्लेटफॉर्म है बिटकॉइन को लेकर के या डोग क्वाइन को लेकर के या इथेरियम को लेकर के, ऐसे दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये हो जाता है कि खरीदारी के ये सभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे तो खुले रहते ही हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की भी प्रक्रिया बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको केवल इन प्लेटफॉर्म पर अपना साइन अप करना होगा, और जैसे ही आप साइन अप करेंगे इसके बाद अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होगा, नो योर कस्टमर का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये प्रोसीजर को आपको पूरा करना होगा, वॉलेट में मनी ट्रांसफर करना होगा, इसके बाद आपकी पूरी की पूरी खरीदारी आसान से हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं आप खरीदारी आसानी से इसको करने में सक्षम हो जाएंगे। अब एक और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था तो स्टडी के दौरान दिमाग में मेरा क्वेश्चन आया कि क्रिप्टो करेंसी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटी हो सकता है जो हम क्रिप्टो करेंसी के साथ कर सकते हैं। तो जुलाई को क्रिप्टो करेंसी से दुनिया का सबसे महंगा खरीदा, आप कह सकते हैं कि जो एक रिकॉर्ड में आपको बताने की कोशिश करूँ, वो रिकॉर्ड में मैंने देखा कि जुलाई जो महीना था पिछला महीना उसमें मैंने देखा कि क्रिप्टो करेंसी से दुनिया का सबसे महंगा डायमंड को खरीदा गया। इससे साफ ये जाहिर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि से जितने भी हमारे पास भौतिक चीजें होती हैं, फिजिकल, आर्टिफिशियल, वर्चुअल, ये सारे भविष्य में खरीदी जा सके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्का के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसको अपने वैल्यू जो होता है वो वैल्यू के रूप में आपके पास उपलब्ध होता है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान को खरीद सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ट्रेजरी होगा यानी तिजोरी होगा उसमें आप इसको रख नहीं सकते, हर काम आप कर सकते हैं लेकिन एक हार्ड करेंसी के रूप में केवल आप रख नहीं सकते, नहीं बैंक के लिए इसमें लॉकर है जो कि आप वहां पर रख सकते, क्योंकि ये तो आपका पूरा पूरा डिजिटल फॉर्म है, तो आप वहां बैंक में आप लॉकर भी नहीं ले सकते, पर इसको आप रख सकते हैं। इसके पीछे रीजन यह है, और आप इस तरह से कह सकते हैं कि यह एक डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है, डिजिट के रूप, ठीक है, और इसे डिजिटल मनी या वर्चुअल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह डिजिट फॉर्म में उपलब्ध होते हैं।
इसकी वैल्यू जो होता है वो फिजिकल करेंसी से कहीं अधिक होता है। यानी अभी हमने जैसा देखा कि अमेरिकी जो डॉलर है डॉलर से 2 गुना से भी अधिक हमें मिल रहा है। तो कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू तो डॉलर से भी हजारों गुना बढ़ के आ गया है, हजारों गुना ज्यादा आपको बाजार में मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्या है। अभी की बात करेंगे कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का बाजार में शेयर या मार्केटिंग करते हैं, तो इसका मार्केटिंग क्या है। तो तुम देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हर जगह जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त ट्रेडिंग होता है, इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या कह सकते हैं डिजिटल करेंसी एक्सचेंज या क्वाइन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के नाम से जाना जाता है। अंतिम क्षणों में एक इसके लिए आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा हमने डायमंड खरीदा। तो जब आप डायमंड खरीद सकते हैं, मतलब आप एक डिजिटल फॉर्म में आप किसी को पेमेंट किया और आप फिजिकल फॉर्म में उस चीजों को उपलब्ध कराया, तो इसे यह प्रूफ हो जाता है कि आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटी सेल परचेज करने को सक्षम हो जाते हैं। अब प्रश्न होता है क्रिप्टो करेंसी का प्राइस क्या है, इसका फ्यूचर कुछ है या नहीं है। तो बिटकॉइन के बारे में दो बात अहम होता है जो सबको जानना चाहिए। एक यह कि यह एक डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली एक मुद्रा है यानी करेंसी है, और दूसरा यह हमारा एक ट्रेडिशनल जो करेंसी होता है, ट्रेडिशनल करेंसी के एक ऑप्शनल यानी ऑप्शन यानी जिसको विकल्प आप बोलते हो, विकल्प के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी को इस समय भरोसे के संकट का काम सामना भी करना पड़ रहा है, सरकार इसे सबकी निगाह से भी देख रही है, और पारंपरिक जो होता है हमारा ट्रेडिशनल जो करेंसी होता है उसको लेकर के खतरा भी गवर्नमेंट मानती है। हर लगभग देश के सरकार इसको मानती है, लेकिन अलग बात है कुछ देश जो है इसको बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कहते हैं कि हम भी खासतौर पर क्रिप्टो करेंसी लागू करेंगे। तो सरकार को ये भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है, ऐसा द पार्ट ऑफ द नेशंस है जो सरकारी यानी गवर्नमेंट की जो कंट्रोल होता है वह कंट्रोल से कहीं ना कहीं फ्रीडम है यानी स्वतंत्र है या मुक्त होता है। तो मुक्त होने की कोशिश से कर रहा है, इस आधार पर वास्तविक दुनिया का जो एक पैरेलल जो एक्टिविटी होता है, पैरेलल जो हमारा मेकानिज्म होता है, उसको चलने की कोशिश करने की इसमें अच्छे से कह सकते हैं सिस्टम डेवलप करना हुआ है कि मैकेनिक डेवलप करना हुआ, और यह गवर्नमेंट इस पर चाहती कि हम इस पर कुछ काम करें। अब हम बात करेंगे सरकार के इस पर रुख क्या है, गवर्नमेंट इस पर क्या अपनी प्रपोजल देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें उनकी क्या प्रपोजल है, इस पर भी जाने की कोशिश करते हैं। तो अहम बात यह होता है कि केंद्र सरकार नया प्रस्ताव तो लाती है, लेकिन नए जो प्रपोज जो बिल है उसमें क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा करके बताया गया है कि हम क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लागू नहीं करेंगे। अब इस बात को लेकर के 2017 में कमेटी बनी थी और कमेटी का केंद्र ने गठन भी किया और इस कमेटी ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का उन्होंने प्रपोजल भी दिया था। तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि क्रिप्टो करेंसी की जानकारी या क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो एक्सपर्ट्स ग्रुप हैं उनका क्या मानना है, उनका क्या विचार है, क्या भारत ऐसे राष्ट्र में क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि अभी हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है वर्तमान की यदि परिस्थिति को देखें तो अभी 2 गुना से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर से वैल्यू दे रहा है। यहां तक हम कुछ क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू देता जो 1000+ अमेरिकी डॉलर से भी हमें ज्यादा दे रहा है, हम कह सकते अपने जो हमारा नेटिव जो करेंसी है अपनी नेटिव करेंसी से भी ज्यादा 1000 times ये हमें वैल्यू ऐड कर रहा है। तो क्वेश्चन होता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लागू करेगी, क्या एक्सपर्ट टीम के जो मेंबर्स हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या वो क्रिप्टो करेंसी को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको लेकर प्रपोजल देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के जानकारों को ये मानना होगा, उनको ये बताना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का तो फैसला ले सकती है, लेकिन यदि पूरे दुनिया में इस चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा तो माइनस बात इन द फ्यूचर प्लान विल बी स्ट्रेटजिकल फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फाइनली इट विल बी रेगुलेटेड नॉट ओनली इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो आवर इंडिया ऑल्सो, हमारे भारत में भी ये हो सकता है। दूसरी क्वेश्चन होता है क्या वाकई में क्रिप्टो करेंसी से कार गाड़ी जैसी कोई भी चीजें खरीदे जा सकती, क्यों नहीं, बिल्कुल खरीदा जा सकता है,
क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि अभी कि हमने मार्केटिंग में देखा कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जब हम हीरा खरीद सकते हैं, मतलब एक डिजिटल फॉर्म में हम किसी को पेमेंट कर दिया, और पेमेंट करने के बाद जब हम एक फिजिकल फॉर्म में किसी भी चीज को उपलब्ध ले सकते हैं, तो गाड़ी, मोटर गाड़ी, बाइक, ये सारा भी हमारा फिजिकल फॉर्म है, तो हम इसको क्यों नहीं उपलब्ध कर सकते? इसलिए इसका जवाब हमारे तरफ से होगा हाँ, क्यों? क्योंकि क्रिप्टो एक भारतीय रुपये की तरह ही अपना एक मूल्य रखता है, जिस तरह से हमारी इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी का जो वैल्यू होता है मार्केट में, ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी का भी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है। वो अलग बात है, वो वर्चुअल है, हार्ड करेंसी नहीं है। तो अभी क्रिप्टो दुनिया भर की अधिकांश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जब ऐसा होगा तो हमारे पास किसी भी अन्य जो हमारी करेंसी होगी यानी मुद्रा होगी, की तरह क्रिप्टो मुद्रा का भी हम उपयोग करेंगे, भविष्य में करेंगे। क्योंकि जब इसकी प्रचलन बढ़ेगी, जिस तरह से अपने पॉपुलैरिटी को गेन किया है, तो मायने सी बात है कि पूरे देश उसे सोच रहे हैं, पूरे देश, कुछ देश इस पर पाबंदी लगाए, लेकिन आने वाले समय में यदि इस तरह के पॉपुलैरिटी रहा तो उनको सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि यह लोगों के बीच साधारण एक्सचेंज का एक शेयर होता है, एक्सचेंज का एक हिस्सा हो जाता है, एक पार्ट हो जाता है। आप एक चीज बोल, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को लिए हो सकता है कि जब सर ये 1000 गुना ज्यादा हमें वैल्यू देता है, तो क्या क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस, बिटकॉइन का बिजनेस रोडपति बनाएगा या करोड़पति बनाएगा? इस सारे क्वेश्चंस का भी मैं जवाब आपको देता हूं कि क्या क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करने से हम करोड़पति बनेंगे या रोडपति बनेंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस है। क्वेश्चन इसलिए आपके दिमाग में आया होगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में डॉलर का 2 गुना से भी अधिक वैल्यू दे रहा है, और फिर बताया कुछ ऐसे भी क्रिप्टो करेंसी जो थाउजेंड्स टाइम से भी ज्यादा हमें वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि क्यों नहीं इसी का बिजनेस किया जाए। तो भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर किसी भी प्रकार का बिल, किसी भी प्रकार का लेजिस्लेशन, किसी भी प्रकार का नियम एंड कानून को पास नहीं किया है। सबसे पहले बात को याद रखिएगा, अभी तक इसे कानूनी मान्यता देने को लेकर के भी कोई गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा पब्लिश नहीं की गई है, इशू नहीं की गई है। देश में क्रिप्टो करेंसी के कई सारे फॉर्म है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, टीथर है, डॉग क्वाइन है, और न जाने पता नहीं क्या क्या आ चुके हैं बाजार में। हर तरह के जो क्रिप्टो करेंसी है, हर तरह की क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत जोर शोर से कर सकते हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रहे हैं, कई लोग इसमें निवेश करने के भी बात सोच रहे हैं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, त्रैमासिक की रिपोर्ट आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा इसमें बहुत भारी गिरावट भी देखने को मिला है। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है, इसे कानूनन किस तरह की मान्यता प्राप्त होगी और इसमें निवेश करना कितना सुरक्षित होगा? तो यदि आपका प्रश्न सुरक्षा के लिहाज से है, तो हम आपको एक प्रोटेक्टिव और सिक्योर फॉर्म के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप भारत में अपने आप को यदि बिटकॉइन में इन्वॉल्व भारत की तरफ से होना चाहते हैं, तो आप कितने सुरक्षित हैं या नहीं है आप समझ जाइए। क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई बिल पास किया नहीं है, अभी तक कोई मान्यता, कानूनी मान्यता भी नहीं मिला है, कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है। तो इस आधार पर आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासतौर पर भारत में जो फॉरेक्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, इसको पूरा कंट्रोलिंग जो करने का कर सकते हैं अधिकार यानी अथॉरिटी जो दी गई है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल, यदि इन्वेस्टर्स हमारे भारत में आते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ सेबी बना हुआ से, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल यदि हम मैनिफेस्टो को स्टडी करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी को यदि हम स्टडी करते हैं, तो यह स्टडी करने के साथ स्पष्ट ये हो जाता है कि हाल में क्रिप्टो करेंसी को कानूनन वैध प्रदान करने को लेकर के एक नई कमेटी बनने की बात हो रही है। अभी इस पर कोई फैसला तो नहीं आया है। भारत ने इस क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली कर सकते हैं प्रतिबंधित कर दिया है या नहीं किया है, इसको जानने के लिए हमें भी इंतजार करना होगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी वैधता प्रदान करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, वाइटल रोल होता है। क्योंकि भारत में जो करेंसी होता है, करेंसी का जो रेगुलेटरी बॉडी भारत का है, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीमो है। तो मायने से बात, इसकी जब तक हमारे पास पूरा का पूरा मैनिफेस्टो नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी कहने में हमें लगता है कि जल्दीबाजी होगा। अब प्रश्न होता है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी
को लेकर के ये जो अभी तक इंडेफिनिट बना हुआ है, अनिश्चितता इनसिक्योरिटी बनी हुई है, क्यों, कारण क्या है, क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी जब भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अनिश्चितता का प्रकार जो दिख रहा है, तब तक लोगों में इसमें निवेश करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि आपको अलाउ नहीं करती है, परमिट नहीं करती, मतलब ये इनसिक्योर है, सबसे पहले असुरक्षित है। अभी इसमें कुछ दिनों से काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, आप भी ये देख रहे होंगे, और इसलिए अभी इसमें अनिश्चितता देखने को मिलेगा, लोगों में इसमें निवेश करने से बचना भी चाहिए। अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर के कई एप्लीकेशन मार्केट में आ भी गई है, लेकिन इनमें से कई को कानूनी वैधता नहीं मिला है, यानी उसको लीगल ऑथोराइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, इसलिए लोगों पर उनके पैसे को डूबने का खतरा जो होता है अधिक देखने को मिल रहा है। तो ये सारे भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अलाउ नहीं कर रही है। अब क्वेश्चन होगा कि निवेश के लिए जो एप्लीकेशन मौजूद है लेकिन खतरा बरकरार है, कैसे? यदि खतरा है तो एप्लीकेशन को कैसे एप्लीकेशन मिला, कैसे ऑथराइज किया गया, एक क्वेश्चन अपने आप में होता है। तो अभी देश में जो क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्टमेंट बहुत ही तेजी से तो बढ़ रहा है, कितना ही बहुत ज्यादा डाउटफुल है, सस्पिशियस है, तो इसलिए लोगों को इसमें निवेश करने से समय हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको करना चाहिए। यदि टाइम उनको रोक रहा है, यदि सरकार उनको रोक रही है, तो आप रुकिए सर, भारत में भी बाजी एप्स क्वाइन DCX यूनो क्वाइन जेव पे क्वाइन स्विच कुबेर इस सारे जैसे कंपनियां हैं जो ऐप के जरिए अपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इनसे कई प्रकार के एप्लीकेशन में निवेश करने को लेकर के अनेकों अनेक प्रकार के शर्त यानी चुनौती एकदम साफ नहीं स्पष्ट होता है। इसको लेकर के हम कह सकते जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली जो कंपनी वाइजर एक्स है उसको बड़ी मात्रा में लेन देन को लेकर के नोटिस भी भारत सरकार ने जारी कर दिया है। ये सारे जो गतिविधि है, ये सारे गतिविधि के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पर जो हम काम करने की बात कर रहे हैं या हम जो अपने मैनिफेस्टो रख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं अभी भी सस्पिशियस है, इनसिक्योर्ड है और हम कह सकते खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जो भी करना चाहे वो अभी भारत सरकार की गाइडलाइन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑथराइजेशन के लिए इंतजार करें। जैसे ऑथराइजेशन आ जाती है उसके बाद आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे, सुरक्षा के लिहाज से वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम एक नए वीडियो के साथ, कोई ऐसे मुद्दा के साथ जो आप लोगों का डिमांड होगा उस डिमांड के साथ फिर मैं उपलब्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।